हेलो यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज का ब्लॉग बड़ा ही अमेजिंग होने वाला क्योंकि आज हम जा रहे हैं खाटू धाम, बाबा श्याम की नगरी। तो चलो आपको लेके चलती हूँ मेरे साथ में। हम आ गए हैं गोल्डन वाटर पार्क। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है मंदिर खाटू श्याम जी का श्रृंगस्थ। तो चलो अभी आपको दिखाती हूँ किस जगह हम आ चुके हैं और किस जगह हम जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा ये वाला वे, मतलब श्रृंगस्थ से सीधा 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पड़ता है। खाटू श्याम जी का रास्ता सीधे जाता है। तो चलो आपको ले कर चलती हूँ मैं। दोस्तों मैं पहुंच ही गई फाइनली खाटू श्याम जी के मंदिर। जयपुर से, मतलब जहां हम रहते हैं जयपुर में, वहां से खाटू श्याम जी का मंदिर टोटल 75 किलोमीटर पड़ता है। और फाइनली हम तोरण द्वार पहुंच चुके हैं जिसका आप सबको भी वेट था और मुझे भी काफ़ी टाइम से, मतलब कितनी देर हो गई चलते चलते रास्ते में, और फाइनली हम पहुँच ही गए। ये बहुत ही फेमस मंदिर है, आप लोग भी जानते होंगे। और यहाँ पर आकर एक अलग ही वाइब्स है। और यहाँ का वेदर देखो कितना प्यारा हो रखा है। अभी यहाँ पर देखो स्टार्टिंग हो गई है मार्केट की और इतनी भीड़, मतलब अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सालों साल लोग आते हैं यहाँ पे। पहले तो ऐसा होता था कि बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब है ना जगह जगह मान्यता है तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये देखो कितना, मतलब मार्केट अभी खाली खाली लग रहा है, लेकिन हम मेले वाले टाइम पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। देखो इधर की साइड में मंदिर, सीधे जाके मंदिर और पार्किंग है। तो अभी हम पार्किंग में रुकेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे और फिर दर्शन करेंगे। तो आप लोग वेट करना, तो चलो चलते हैं। सो गाइज, आज मैं आई हूँ खाटू श्याम जी के। अभी जस्ट 1 मिनट बाकी है दर्शन करने में, तो इनको जाने देते हैं आगे और हम जा रहे हैं पीछे पीछे। बस जल्दी जल्दी जाके दर्शन करना है क्योंकि बंद होने वाला है और इधर इतनी लंबी लाइन है। पे कितने लंबे बड़े बड़े पंखे लग रहे हैं और ये देखो कितनी भीड़ है इस साइड, बहुत ज़्यादा भीड़ है। शायद हमारे को सामने से दर्शन करने को मिलेगा। मुझे लगा था नहीं था कि ऐसे टाइम में भी इतनी भीड़ होती होगी, बट जनरली बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। इधर देखो कुछ सारे, मतलब इधर का पूरा एरिया खाली पड़ा है। बस हम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं और दर्शन हो ही जाएंगे। थर्ड लाइन है ये, प्रसाद ले लिया जल्दी जल्दी। गाइज एकदम सही टाइम पर आई हूँ। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती ना, सीरियसली मंदिर बंद हो जाता और इतनी दूर से आना सारा वेस्ट हो जाता, दर्शन ही नहीं हो पाते। और अभी इतनी भीड़ दिख रही है ना, इनको जल्दी जल्दी भगा रहे कि जल्दी चलो मंदिर बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा। फाइनली कब, मतलब वेट कब ख़त्म होगा और कब दर्शन होंगे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्तों मैंने सोचा नहीं था कि अंदर भी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। ये मार्केट तो खाली लग रहा था, लेकिन दर्शन करने के लिए देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है यहाँ पे। और देखो ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब आ रही है और एक इतना प्यारा मंदिर सज रखा है। अभी नवरात्र के टाइम पर भीड़ रहती है यहाँ पर, बस कैसे भी जल्दी से दर्शन हो जाए क्योंकि अभी बंद होने वाला है मंदिर। और अभी आगे चलते हैं भीड़ में, क्या पता फ़ोन यहाँ पर अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, पर मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके दर्शन करवा सकूँ। हम आगे वाली लाइन में जाते थे बट नहीं जा पाए क्योंकि उधर और भी ज़्यादा भीड़ है, फिर हमारे को इधर ही निकलने में टाइम लग जाता। सो फाइनली गाइस दर्शन हो गए और देखो मेरे चेहरे पे कितनी खुशी हो रही है क्योंकि हमने आराम से दर्शन कर लिए और अब मैं जा रही हूँ घर की ओर। मतलब पहले मार्केट विजिट करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ लेना होगा तो। और ना कई लोग तो मेरे फ़ोन में ही देख रहे थे। और अभी हम निकल चुके हैं एग्जिट पॉइंट से। तो गाइज मैं आ गई हूँ यहाँ के मार्केट में और ये है श्याम कुंड का रास्ता। इस साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे श्याम जी की मूर्ति, हाथ में पहनने वाला धागा,
ब्रेसलेट, लड्डू गोपाल जी, फूल माला, कुछ भी आप एक्स वाई जेड यहाँ से ले सकते हो। और देखो इस साइड कितनी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे खाने वाने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप जाओगे तो पूरा मेला लगता है। और ये देखो हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं यहाँ पे ना, लड्डू गोपाल जी की पोशाक वगैरह, कड़े, सब कुछ मिलता है एक्स वाई जेड। और छोटी छोटी गलियाँ खाट धाम की आप लोग गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और ये देखो इतना बड़ा मार्केट है इस साइड में। और ये देखो मुझे कुछ पसंद आया था बट ये मेरे हाथ पे जचा नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं, क्योंकि ना स्विमिंग की वजह से पूरी टैन हो गई है। और देखो कितना अच्छा है, ये देखो लड्डू गोपाल जी की पोशाक कितनी प्यारी प्यारी है यहाँ पे। शॉर्ट होगा लेकिन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी खाटू श्याम जी से आने के बाद में मैं आ गई उज्जैन, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने शूट नहीं करा था थोड़ा बहुत, और मुझे अभी कार्डियो करना था। आपको पता ही है यार, बाहर जाने के बाद में कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, इसलिए अभी आ गई तो मैं उज्जैन। देखो अच्छे से शूट नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी में आई थी, और अब मैं करूँगी कार्डियो। इवनिंग में 1 आवर मैं कार्डियो करती हूँ। ये देखो उज्जैन में कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है इवनिंग के टाइम पर। अब मैं ट्रेन में से जाकर खुलूँगी, मुझे फर्स्टली करना क्या है, फैट लॉस कर रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं आपको डाइटिंग वगैरह भी शेयर करूँगी अपनी, क्या करना क्या नहीं। यहाँ से वीडियो कितना प्यारा है और अंदर का व्यू भी अच्छा है। आज जिम थोड़ा खाली खाली लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं बच्चे, पता है स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा है, जैसे मैं उनको बहुत बार विजिट करवाया है। तो मैं करूँगी ट्रेडमिल पहले 20 की स्पीड, मतलब 10-6 की स्पीड से और 20 इंक्लाइन करके, जिससे बहुत मतलब 200-300 कैलोरी बर्न करनी है। उसके बाद मैं कर रही हूँ साइकिलिंग, साइकिलिंग में भी 100 कैलोरी बर्न होती है। ऑब्वियसली कितनी देर करूँगी मैं, कम से कम अप्रॉक्स 10-20 मिनट। और यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है, अगर व्यू अच्छा होना तो फिर हमें मज़ा आ जाता है वर्कआउट करने का। इसके बाद चलो बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, पहले ही करती हूँ 3 मिनट्स। और ये देखो गाइस, मैं आ गई हूँ घर जिम से, और आज मैंने ना इतने मतलब कितना अप्रोक्स 600 या 500 कैलोरी बर्न करी है। और यार थक गई बहुत ज़्यादा, पहले खाटू श्याम जी और फिर जिम गई, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं सोऊंगी बस। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर।